प्रदेश यूथ कांग्रेस के सचिव एवं खुद को हमीरपुर संसदीय प्रत्याशी के रूप में देख रहे अभिषेक राणा ने पत्रकार वार्ता में न केवल अनुराग ठाकुर पर निशाना साधा बल्कि पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल पर भी सवाल दागे। अभिषेक राणा ने कहा कि वर्ष 1999 में जब धूमल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार से कालका एवं परमाणु के बीच 5 किलोमीटर के रेल लिंक का शिलान्यास करवाया था। उस वक्त कहा गया था कि ये रेल लिंक 30 करोड़ की लागत से निर्मित किया जाएगा, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज करीब 20 सालों में भी यह रेल लिंक नहीं बन पाया। इसी तरह 22 सितंबर 2012 को मुख्यमंत्री रहते हुए प्रेम कुमार धूमल ने बंगाणा धनेट्टा सुरंग का शिलान्यास भी किया था, जो कि आज तक नहीं बनी। अभिषेक ने कहा कि केवल शिलान्यास करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब आज तक सांसद से भी धरातल पर कुछ नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि केवल शिलान्यासों के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। यूथ कांग्रेस के सचिव ने कहा कि यदि इस बार भी लोकसभा चुनाव के दौरान हवा में शिलान्यास करके यहां की जनता को ठगने का प्रयास किया गया तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अभिषेक राणा ने कहा कि चुनावों के नजदीक आते ही सांसद अनुराग ठाकुर को रेल लाइन की याद आने लगी है। अनुराग ठाकुर ने आज तक सिर्फ कागजों में ही रेल लाइन दौड़ाई है, हकीकत में कुछ नहीं किया। अभिषेक ने विभिन्न मुद्दों पर भाजपा को घेरा और सांसद पर विकास करवाने में असफल रहने के आरोप लगाए। उन्होंने खोखली घोषणाएं और कागजी बयानों के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया और उन्हें शिलान्यास की राजनीति करके इस संसदीय क्षेत्र की जनता को गुमराह करने वाला नेता करार दिया। कई सालों से हमीरपुर में कागजों पर रेल चलाने वाले सांसद अब चुनाव के निकट रेल लाइन का शिलान्यास करने का राग अलाप रहे हैं, लेकिन वह बताएं कि क्या इस प्रस्तावित शिलान्यास का हश्र भी वैसा ही होगा जैसा कालका परमाणु रेल लाइन के शिलान्यास का हुआ था। अनुराग बताएं जिस तरह का शिलान्यास उनके पिता प्रेम कुमार धूमल के मुख्यमंत्री रहते हुए परमाणु में हुआ था, हमीरपुर में भी रेल पहुंचने का वैसा ही शिलान्यास करके वह फिर जनता को बेवकूफ बनाएंगे। हमीरपुर में रेल पहुंचाने के दावे लंबे समय से सांसद कर रहे हैं और अभी तक एक इंच पटरी भी नहीं बिछ पाई है। इससे साबित होता है कि भाजपा नेता सिर्फ जनता को भ्रमित करने की राजनीति करते हैं। उसके पीछे पहला मकसद कि आज जो देश की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा चुकी है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और आज जो रिपोर्ट्स आई हैं बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्होंने कह दिया है कि इसी रफ्तार से अगर हमारी सरकार आगे बढ़ती रहेगी, उसकी नीतियां बढ़ती रहेंगी तो एक ग्रेट डिप्रेशन जो 2008 में आया था उसके संकेत दे रहे हैं, जिसके सबसे बड़ा नुकसान जो है वो युवा शक्ति को होने वाला है। दूसरा मुद्दा, हमारे संसद जो सांसद हैं यहाँ से माननीय सम्मानीय अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने कहा था कि जब मैं यहाँ से सांसद बनूंगा तो इस संसदीय क्षेत्र को आदर्श जो है संसदीय क्षेत्र बनाऊंगा। जो गोद लिए हुए गांव थे आज तक उनका ब्यौरा नहीं मिला और 1999 में 27 जून 1999 में उस समय के मुख्यमंत्री माननीय सम्मानीय प्रेम कुमार धूमल जी, उस समय के रेलवे मिनिस्टर माननीय सम्मानीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने परमाणु में रेल ब्रॉडगेज का शिलान्यास किया जो जिसकी लागत 30 करोड़ की थी और 5 किलोमीटर का था। तो 1999 से 2019 आने वाला है, 20 साल में अभी तक जो है 5 किलोमीटर वो ब्रॉडगेज नहीं बन पाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर हफ्ते भारतीय जनता पार्टी और माननीय सम्मानीय हमारे सांसद ये टिप्पणियाँ देते रहते हैं कि दिवाली के आसपास जो है वो शिलान्यास हो जाएगा। एक शिलान्यास 1999 में हुआ था लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उसी प्रकार से हमारे सांसद जो हैं वो दोबारा से रणनीति बना रहे हैं कि एक बार फिर से चुनाव नज़दीक आ गया है तो लोगों की आंखों में धूल झोंक दिया जाए। और 2012 में शिलान्यास किया गया था बंगाणा धनेटा सुरंग का, उस समय के मुख्यमंत्री माननीय सम्मानीय धूमल साहब, माननीय सम्मानीय सांसद हमारे अनुराग ठाकुर जी और आज जो वर्तमान में हमारे मंत्री हैं वहां से कंवर साहब, उन्होंने मिलकर ये शिलान्यास किया था 2012 में, चुनाव से ठीक पहले। ये पत्थर भी वहीं का वहीं है, वहां शिलान्यास भी वहीं का वहीं है, लेकिन एक इंच वहाँ सुरंग का काम शुरू नहीं हुआ है। आज ये हमने प्रेस वार्ता इसलिए रखी है कि जो हमारे सांसद हैं वो ये कहते थे कि राजा वीरभद्र की सरकार जो है वो शिलान्यास की सरकार है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने आपकी सरकार ने शिलान्यास किए आप उसका ब्यौरा दें, और जो आने वाला समय है जिसमें आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्योंकि आपने बड़े बड़े पोस्टर छपवाए थे कि मैं रेलगाड़ी में सवार होकर आऊँगा, चुनाव आ गए हैं
एक इंच रेल लाइन नहीं बनी। और शिलान्यास भी अगर इसी प्रकार से करना चाहते हैं तो युवा शक्ति जो है सड़कों पर उतर के आपका विरोध करेगी। जब आपसे हिसाब किताब मांगा जाता है तो धारा 144 लगा दी जाती है। और अगर आप इस तरीके से लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे तो पूरे संसदीय क्षेत्र की युवा शक्ति जो है, युवा कांग्रेस जो है, सड़कों पे उतर के आपका और आपकी पार्टी का विरोध करेगी।